नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राहगिरी जैसे खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुला के जो इज्जत दी है, इसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सभी जानते हैं, बचपन में मेरा जो फर्स्ट लव था वो तबला था, और एज अ प्रोफेशनल तबला प्लेयर मैंने अपना करियर शुरू किया। और जितने भी गज़ल सिंगर थे 80 से 84 तक, सभी के साथ मैंने तबला बजाया, और 85 में जो है फिर तबला छोड़ के गाने की शुरुआत हुई। मेरी माँ बताती थी कि जब भी मैं बचपन में रोता था तो मुझे तबला दे दिया जाता था और मैं घंटों उस पर कुछ कुछ बजा करके खुश होता था। तो वो पहला लगाव जो है तबले के साथ वहाँ से शुरू हुआ। और चूंकि मेरे पिताजी ध्रुपद सिंगर तो थे ही, लेकिन वो पखावज भी बहुत अच्छी बजाते थे, तो उनसे ही थोड़ी तालीम तबले की ली और फिर वो जो है प्रोफेशनली तबला बजाना शुरू किया। जब मैं 18 साल का था तब मैंने तबला बजाना शुरू किया, और 20 साल की उम्र में मैंने रॉयल आल्बर्ट हॉल और जितने भी बड़े फैमिली और जितने भी बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं वहाँ सब गज़ल सिंगरों के साथ में तबला बजाया। मिसाल के तौर पे कुछ गाने जो मेरे बहुत पॉपुलर हैं उनमें से हैं घुंघरू टूट गए पंकज जी का, और ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, या रंग दे चुनरिया, ये सारा मेरा ही बजाया हुआ है। तो शुरुआत जो है एज ए तबला प्लेयर। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे संगीतकारों के घर में जन्म लेते हैं फिर उनके लिए चॉइस बहुत कम रहता है अपना करियर चुनने का। हमने ये देखा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, तो म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन होना बहुत जाहिर सी बात है। नहीं, बिल्कुल भी ओपोजिशन नहीं हुआ, बल्कि हम लोग 5 भाई हैं और मेरे जो 2 भाई हैं वो पहले से इंडस्ट्री में, हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं श्रवण नदीम श्रवण की जो जोड़ी है, तो श्रवण भाई ने अपना करियर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर सेट किया, और मेरे से जो छोटा है विनोद राठौर, उसने भी प्लेबैक सिंगिंग जो है मेरे से पहले शुरू की थी। तो फादर की तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि जो भी काम करो सुर में करो, अच्छा करो। सबसे पहले मुझे गाना ऑफर किया था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, उनके होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही थी, लेकिन उसमें गाना था सुरमई शाम इस तरह से आए, तो उन्होंने सोनाली से पूछा क्या रूप गाएगा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्मों में गाने का कोई शौक नहीं है, और सच में क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पर रहा और स्टेज का मुझे एक नशा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि फिल्मों में जो है बहुत बंदिश होती है, तो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद फिर करियर चलता रहा, और शशिलाल नायर जी एक फिल्म बना रहे थे अंगार, जिसमें जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया हीरो हीरोइन थे, उसमें गाना लता दीदी के साथ गाने का था, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक, आनंद बख्शी जी के लिरिक्स, और मुझे ये ऑफ़र हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, और वो गज़ल नुमा गीत था, तो मैंने कहा कि चलो कोशिश करके देखते हैं। और इस तरह से जो है वो गाना, पहला अंगार फिल्म का गाना रिकॉर्ड हुआ। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं और बरसात गुजर जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना पिक्चराइज नहीं हो पाया और फिल्म रिलीज हो गई। वो सीडी पे है वो गाना, और उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कैंप में मेरी एंट्री हो गई, और फिर एक फिल्म आई गुमराह, संजय दत्त और श्रीदेवी, उसमें मेरे 2 गाने थे, एक था दुनिया किस्मत और खुदा दुश्मन हो जाए तो क्या, और दूसरा था मैं तेरा आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ,
वो संजय दत्त पे था, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ और फिर वहाँ से जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैंप में मैंने बहुत सारे गीत गाए, फिर अनु मलिक जी आए और फिर जो है मैं आज आप लोगों की दुआओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मैं तबला प्लेयर था तो मैं बहुत ज़्यादा गाना नहीं सुनता था, लेकिन तबला प्लेयरों को बहुत सुनता था। शांता प्रसाद जी, किशन महाराज जी, उस्ताद अला रखा खां साहब, हबीबुद्दीन खां साहब, तिरखवा खां साहब, और आज की अगर बात करूं तो कुमार बोस जी, जाकिर हुसैन जी और जितने तबले वाले हैं सबको सुनता था। और गज़लों में ख़ास तौर से अब्दुल सत्तार तारी, पीर बख्श जी, निज़ामुद्दीन खां साहब, इन सबको बहुत सुना और ये सब मेरे गुरुजन हैं। और इनके बहाने से फिर मेहंदी हसन खां साहब, गुलाम अली खां साहब और इन सबको सुन करके जो है मैं बड़ा हुआ हूँ। बचपन की शैतानियाँ तो मुझे लगता है हर बच्चा ही करता है और मैंने भी की। एक बार स्कूल में जो है मैं चालू पीरियड में पानी पीने के लिए बाहर निकला और स्कूल का जो घंटा था वहाँ जा करके जो मैंने रिसेस की जो बेल होती है टंग 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 वो मैंने बजा दी। और उसके बाद फिर जो क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में ही टीचर थे तो पिताजी को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया और बहुत सारा जो है वो बहुत डांट पड़ी पिताजी से। और एक किस्सा मुझे याद है कि एक बार एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हम लोग पिताजी के साथ जाया करते थे प्रोग्राम में, तो छुट्टी थी उस दिन और रात में प्रोग्राम था, तो माँ ने कहा कि चलो बेटा थोड़ा रियाज व्याज कर लो, शाम को प्रोग्राम है। हम एज ए तबला प्लेयर जाते थे, मैंने कहा अभी एक घंटे में आता हूँ, और माँ के मना करने के बावजूद मैं चला गया। और साइकिल चलाने, उन दिनों नया नया साइकिल चलाने का शौक हुआ था तो भाड़े से साइकिल मिलती थी, एक घंटा साइकिल ली और चलाई और कहीं जा करके एक्सीडेंट हो गया और सिर में मेरे चोट लग गई, तो टाँके लग गए और पूरा बैंड रिबैंड लगा करके फिर जो है वो रात में ऐसे ही प्रोग्राम गए प्रोग्राम में। तो उस दिन से ये एक सीख मिली कि जब भी माँ मना करे तो वो काम नहीं करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, संगीत तो एक ऐसा जादू है कि सबके दिल में वो राज करता है। और मेरे साथ भी ये हुआ कि बचपन से मैं बहुत फेवरेट था सारे टीचरों का। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब भी फ्री पीरियड होता था तो चलो रूप कुछ सुनाओ, और इस तरह से जो है मैं बड़े लाड़ प्यार में मैं पला बड़ा हूँ। और मुझे बचपन में फिट्स आते थे तो अगर कोई मुझे डांट दे तो मैं बेहोश हो जाता था, फिट आ जाती थी मुझे, तो इस वजह से जो है मैं हमेशा वो डांट से बचा रहा। और ये मुझे 15 साल तक ये प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद जो है फिर मैं ठीक हो गया अपने आप। संदेह से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे। जेपी दत्ता साहब की ये बहुत ही शानदार फिल्म बॉर्डर का गीत है और अमर गीत है। जावेद साहब ने जो अपनी कलम का जादू इसमें बिखेरा है और उतना ही खूबसूरत अनु मलिक जी ने इसकी धुन बनाई है। और जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो सच जानिए कि स्टूडियो में हर आदमी रो रहा था। जितने कोरस सिंगर थे सबकी आंखों में आंसू थे, जितने म्यूजिशियन थे वो सारे रो रहे थे, जितने टेक्नीशियन थे, जितने सिंगर थे, सभी लोग जो है वो रो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई बात उस गाने में ज़रूर है। उस गाने में देखिए माँ का आंचल है, गांव का पीपल है, किसी की आंखों का काजल है, बरसता बादल है, तो हर चीज़ जो है वो जीवन से जुड़ी हुई है। और मैं आपको एक किस्सा इसका बताता हूँ कि जब मैं ये गाना रिकॉर्ड करके मेरे अमेरिका प्रोग्राम के लिए गया तो उस वक्त फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, सिर्फ ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। और
किसी के यहाँ मेरी दावत थी, मेरे किसी दोस्त के यहाँ, तो उसने नई गाड़ी ली थी, तो उसने कहा चलो मैं आपको मेरी नई गाड़ी में घुमाता हूँ। और हम गाड़ी में बैठे और जाने लगे, उतरे में उसके घर में जो खाना बनाने वाली एक एक बाई थी वो आई, और उसने कहा कि आप जा रहे हैं तो मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं। हमने कहा बैठ जाइए पीछे, तो वो पीछे बैठ गई और गाड़ी चली और मैंने वो सीढ़ी लगाई, गाना लगाया और फर्स्ट टाइम वो गाना किसी और को सुना रहा हूँ मैं। और पहला अंतर ख़त्म हुआ और अचानक से किसी के जार जार रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो हम डर गए। हमने गाड़ी साइड में रोकी और देखा तो वो जो जो लेडी थी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसको पानी पिलाया, उसको पूछा बहन क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बोले नहीं, ये गाना सुना कि घर कब आओगे, तो मुझे अपने वतन की याद आ गई, मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई, मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, मैं यहाँ पैसा कमाने आई हूँ। तो उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि ये गाना सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी तक सीमित नहीं है, ये हर आदमी की कहानी है। जितने NRI हैं सब रोते हैं इस गाने पे। और वो तो छोड़िए, मेरे यहाँ जितने दूध वाले और फ्रूट वाले और सब्जी वाले ये भी सब आकर के कहते हैं साहब चिट्ठी तो हमें भी आती है, कभी माँ बाप पूछते हैं, कभी बीवी पूछती है, कभी बहन भाई पूछते हैं, कभी बच्चे पूछते हैं कि घर कब आओगे। घर जी, शुक्रिया।